नमस्कार एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो के अंदर। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कि आप अपनी वीडियोज को कैसे पता कर सकते हैं कि ये हमारी वीडियोज वायरल होगी या रैंक करेगी या रिकमेंडेड में जाएगी या नहीं जाएगी। तो आज हम इस टॉपिक से पे बात करेंगे कि आप अपनी वीडियोज को जब यूट्यूब पर अपलोड करते हो तो आपको ये यार कैसे पता करना है कि यार ये हमारी वीडियोज वायरल हो सकती है या हमारी वीडियोज ये रिकमेंडेड में जा सकती है। तो आज मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि आपकी वीडियोज कैसे वायरल हो सकती है और कैसे वायरल आप कर सकते हैं अपनी वीडियोज को। तो इस वीडियो को यार अंत तक जरूर देखना यार, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो यार इस वीडियो को एक आज लाइक कर लेना, और आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करते रहना, क्योंकि मैं अपने वीडियो पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपने एप्लीकेशन में जाना है, YT स्टूडियो के एप्लीकेशन में जाना है। और जाने के बाद आपके सामने जो YT स्टूडियो का जो इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा YT स्टूडियो है कुछ इस टाइप से ओपन हो गया है। सिंपली हमें सबसे पहले करना क्या है, मान लीजिए मैंने एक वीडियो डाला था, ये यूट्यूब न्यू अपडेट लाइव स्ट्रीम वाला एक दो दिन पहले। तो हम इसको प्ले करते हैं। तो प्ले करने के बाद आपको कैसे पता करना है कि आपकी वीडियो वायरल होने के चांस रहते हैं कि आप नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बार जाना है व्यू मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर वॉच टाइम आपको कितना दिखा रहा है, 32 मिनट, सिर्फ मनली 32 मिनट। और व्यूज कितने हैं, 36। और यहाँ पर इसकी ऑडियंस रिसेंटन कितने हैं, 32%। तो यहाँ पर ये वीडियो जो हमारी है ये रिकमेंडेड में इसलिए गई है क्योंकि इसका जो ऑडियंस रिसेंटन है जो 32% दिखा रहा है। अगर आपका वो ऑडियंस रिसेंटन आपके वीडियोज पर 35 या 37 के बीच में है तो जान जाइए कि आपकी वीडियो 100% रैंक करेगी और वायरल होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी 32% दिखा रही है ऑडियंस रिसेंटन, तो हमारी ये वीडियो रिकमेंडेड में गई है। और इसके व्यूज की बात करें तो यहाँ पर 36 व्यूज और वॉच टाइम 32 मिनट सिर्फ ओनली दिखा रहा है। लेकिन ये वीडियो रिकमेंडेड में इसलिए गई है क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है इसकी ऑडियंस रिसेंटन 32%। अगर आपके किसी भी वीडियो में देखने को मिले कि आपके वीडियो में ऑडियंस रिसेंटन अगर आपके वीडियो में 37 से 35 के बीच में है तो जान जाइए कि आपकी वीडियो ये वायरल करेगी, रैंक करेगी, 100% बोल रहा हूँ विद प्रूफ। और मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो रिकमेंडेड में कैसे गई। तो मैं आपको चलता हूँ लेके स्क्रीनशॉट में, तो अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ यार, तब आपको विश्वास हो कि ये बंदा झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर सिंपली मैं अपने वो स्क्रीनशॉट में चलता हूँ, अभी मैं आपको दिखाया था। आप मेरे चैनल का नाम तो जानते हैं टेक हेल मास्टर, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डाला था कि न्यू यूट्यूबर के लिए बहुत ही घटिया अपडेट और ये लाइव स्ट्रीम वाला जो एक दो दिन पहले। तो यहाँ पर आपको देखने को मिली है रिकमेंडेड फॉर यू, ये है मेरा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरा वीडियोज, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा वीडियोज, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर रिकमेंडेड फॉर यू। तो मेरी वीडियो इसलिए रिकमेंडेड फॉर में गई क्योंकि इसका ऑडियंस रिसेंटन था जो वो 32% दिखा रहा है। तो समझ जाइए अगर आपकी ऑडियंस रिसेंटन 35 या 37 के बीच में है तो जान जाइए कि आपकी वीडियोज के रैंक होने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं और काफ़ी अच्छा व्यूज आने के चांसेज भी रहते हैं। अगर आपके 35 या 37% है तो आपकी वीडियो रैंक करेगी, 100% बोल रहा हूँ, और वायरल भी हो सकती है। तो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं कि आपकी वीडियो वायरल होगी या रैंक नहीं होगी। तो जाएंगे व्यू मोर के ऑप्शन में और यहाँ से क्लिक करके देख लेंगे। और एक तरीका है यहाँ पर, अगर आपकी लाइक और डिसलाइक यहाँ पर 70 से 80% हैं तो जान जाइए आपकी वीडियो कभी रैंक नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से आप अपनी वीडियोज को पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैंने यहाँ पर लाइव प्रूफ यार दिखा दिया है कि मेरा वीडियोज कैसे रिकमेंडेड में गया, ये तो आप जान ही गए होंगे। तो इस टाइप से आप अपनी वीडियोज को जब यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो इस टाइप से आप YT स्टूडियो में जाकर पता कर सकते हैं कि आपकी वीडियो जो वायरल होने के चांस रहते हैं या आपकी वीडियोज वायरल हो सकती है या रिकमेंडेड में जा सकती है अगर आपकी ऑडियंस रिसेंटन 35 से 37% के बीच में है। तो नमस्कार, अगर आपको वीडियो यार अच्छी लगी है तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। तो नमस्कार, चलता हूं अगले वीडियो।